मलकुल मौत, फरिश्ते अजल, जिनका नाम लोगों ने इज़राइल मशहूर कर रखा है, हालांकि ये नाम ना तो कुरान मजीद में कहीं मजकूर है ना हदीस पाक में इसका तज़किरा मिलता है। मलकुल मौत कहा गया है उन्हें, फरिश्ते अजल जिसका तर्जमा हम करते हैं, वो ऐन वक्ते मुकर्र पे तशरीफ लाते हैं और उनके साथ दो टीमें होती हैं। जब वो आते हैं तो दो टीमें भी उनके साथ होती हैं। एक टीम फरिश्तों की वो होती है जिसके पास जन्नत का खुशबूदार लिबास और मुअत्तर लिबास होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे सब कुछ पर्दे में रख दिया है, अगर हम वो खुशबू सूंघ लेते तो हमें दुनिया की कोई खुशबू कभी पसंद ही ना आती। दूसरी टीम वो होती है जिसके पास जहन्नम का बदबूदार और मुतअफ्फन लिबास होता है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो तशरीफ लाते हैं और आते ही बंदा मोमिन को मुखातब करते हुए कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे, तुझे अल्लाह की तरफ से सलाम हो, अल्लाह ने सलाम भेजा है तुझे। कई ऐसी हस्तियां भी गुजर चुकी हैं जिन्हें जिंदगी में ये पैगाम मिला। हदीस में आता है कि हमारी मां हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो चूंकि सबसे पहली हमारी मां है, आपकी ज़ौजा मोहतरमा है, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आए तो उस वक्त हमारी ये मां किसी बर्तन में कोई खाने पीने की चीज लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही थी। जिब्रील अमीन आते हैं और इशारा करके उनकी तरफ कहते हैं, हाज़िही खदीजा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा जो आपकी तरफ आ रही हैं, इकरा अलैहिस्सलाम मिन अल्लाह तआला, अल्लाह ने इन्हें सलाम भेजा है, अल्लाह का सलाम इन्हें पहुंचा दीजिए। और साथ ही कहा, वकरा अलैहा मिन्नी अस्सलाम, मेरी तरफ से भी इन्हें सलाम दे दीजिए। वबशिरहा बिबैतिन फिल जन्ना, और इन्हें ये खुशखबरी भी सुना दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में इनका महल बना रखा है। तो मोमिन को उस वक्त पैगाम मिलता है, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, तेरे अल्लाह ने तुझे सलाम दिया। कितना खुश होता होगा मोमिन ये सुनकर, उसके सारे गमों हम दूर हो जाते हैं। और फिर उसकी रूह को मुखातब करते हुए मलकुल मौत फरमाते हैं, या अय्युहर रूह तैयब, ए पाक रूह, ए नेक रूह, कुंत फी जसदिन तैयबिन, तू जब तक इस दुनिया में रही एक नेक और पाक जिस्म में ही रही। मोमिन नेक भी होता है पाक भी होता है। उखरुजी इला रब्बे के इन्ना रब्बा के अलै के राज, आ निकल, रूह को मुखातब होकर फरमा रहे हैं, आ निकल, उखरुजी, आ निकल, तेरे रब ने तुझे बुलाया है, हम तुझे लेने के लिए आ गए हैं और तेरा रब तुझ पे राजी और खुश है, ये पैगाम मिलता है उसे। चुनाचे फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिन की रूह ये पैगाम सुनकर खुशियां मनाती हुई, उछलती हुई, कूदती हुई जिस्म से बाहर निकलती है। और उसकी कैफियत बयान करते हुए मिसाल दी, फरमाया कि कोई मशकीजा पानी से लबालब भर दीजिए और फिर मुंह बांधे बगैर उसे जमीन पर लिटाकर छोड़ दीजिए तो क्या होता है,
सारे का सारा पानी जंप करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस तरह मोमिन की रूह उछलती कूदती उसके जिस्म से बाहर निकलती है। जो ही वो जिस्म से बाहर निकलती है, मलकुल मौत उसे लेकर उस टीम के हवाले कर देते हैं जो जन्नत का लिबास लिए खड़ी होती है। उस खुशबूदार और मुअत्तर लिबास में उसे लपेट लिया जाता है।